Hello, good evening, students. So, how are you all? I hope that everyone is fine. Yes, class, you have to take care of yourself because अगर health is not okay, अगर health अच्छी नहीं है, then ultimately आपकी studies affect हो जाएंगी, right? So, yes, we will be taking care of our health and then simultaneously we will be studying. Okay, so with this good note, class, I'll just welcome you all to an academy platform and जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे क्लास का एक फंडा होता है, राइट, कि टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये दो फंडे हैं। सो बेसिकली हम कैसे, हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है। अब ये क्या है इंटरेस्टिंग, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट, हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो क्लास इवन अभी हम आगे भी जितने भी, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे। आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फोकस ऑन द बेस थिंग, ठीक है। एट्थ में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप नाइन्थ में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। साइंस का आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास। सो विद दिस गुड नॉट दैट यू नो वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो क्लास विद दिस गुड नॉट लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है हमारे, आप सबको पता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर आस पास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको वो सब मैटर है। सो क्या वो प्योर है, एज इन मैटर जो भी चीज आपके जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। क्या वो प्योर है, क्या वो प्योर है, क्या मतलब है मेरा प्योर से, राइट। अगर आपने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, अगर आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैम प्योर क्या बोल रहे हैं, सो आप मेरे ऑलरेडी यू नो आई ऑलरेडी टोक 3 क्लासेस ऑन द सेम चैप्टर, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरी रोज क्लासेस 5 o'clock क्लास अपार्ट चैनल पे ही होती है। तो आप मेरी क्लासेस यू नो इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का 3, Part 1, Part 2 and Part 3 देख सकते हो। अदर देन दैट चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 भी कवर कर दिया है। या फिर इनके अलावा इफ यू वांट कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन सजेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ओपन फॉर यू ऑल। एंड क्लास यस वी विल बी लर्निंग इन अ वेरी वेरी फन वे, एंड ये फन तभी होगा जब आप क्या होंगे, अटेंटिव, राइट। जब आप सब क्या होंगे, अटेंटिव, तभी ये क्या बनेगा, फन बनेगा। एंड हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये आप सबको पता है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दिस इज द लवली पार्ट ऑफ साइंस। ओके क्लास, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, as you all know, but you know these students who just joined who are new. So class, I am Rashmi Yadav and I'm graduated from Lady Shriram College from women, and you know I am a TGT teacher, and in an academy I am from K-12 category. And class, I taught many students on both the platform, that is online and offline. So here I am to teach you all and to make you all masters of science, right? यहाँ से यहाँ आएंगे हम सब, right? Okay. So class, yes, you can ace your school. This word is really important. You know, it's you are really lucky. This An Academy, it's one of the best and you know biggest platforms, biggest study platform. And why I'm saying this, you will get top educators, you will be learning under them, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स आपको सिखाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। पूरा टाइम तो यही दिमाग में रहता है कि नोट्स बनाने एग्जाम आने वाले, ठीक है, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। सो क्लास व्हाट यू कैन डू इज यू नो यू विल बी जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप An Academy Learners app,
इट इज इजीली अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप वहां पर जाके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा। यू कैन यूज दिस कोड, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन, ये आप कोड यूज कर सकते हो RAY10, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। क्लास दिस इज योर बेनिफिट, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो YouTube पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड यू नो व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन। योर फोकस एरिया विल बी इंक्रीज्ड, आपको गाइडेंस गाइडेंस के लिए कर रहे होते हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ना ट्यूशन ले लो, ट्यूशन आप सबके साथ लोगी या फिर आप पर्सनल ट्यूटर लोगे? पर्सनल ट्यूटर, व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, फोकस आपका ज्यादा है, राइट? सो क्लास किस चीज की दे रही, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, राइट? सो गो क्विकली आफ्टर दिस सेशन, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप एंड जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन। तो आपके लिए ही अ लिटिल है, आई विल टेल यू द लिस्ट। दिस कैन यू सी ओवर हियर, क्लास 9, 10, 11 एंड 12। सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन पिच। सो क्लास this is a two list, number one list and two list, you can see kuch matlab money mein difference aa raha hai। so class kyun difference hai, aap ye jo main abhi bol rahi thi, ye jo offer chal raha hai RAY10, agar aap ye use karte ho, so agar for example aap 48 month ka lete ho, so yahan par you are paying 833 per month और यहाँ पर यू आर पेइंग 750 पर मंथ, हो गया ना कम, जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है। आई विल रिकमेंड यू टू टेक, यू नो बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन टेक, बट आई विल रिकमेंड कि आप 48 मंथ का लो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो अगर आप 3 मंथ का भी लेते हो तो आप एक यू नो ओनली इन अ मंथ आप इतना स्पेंड कर दोगे, जबकि यहाँ पर यू विल बी जस्ट पेइंग 833, नॉट इवन दैट, 10% ऑफ, 10% ऑफ, तब कितना हो गया 750 पर मंथ, दैट्स इट। सो क्लास किसी केस की देरी नहीं है, गो एंड 67% ऑफ, टेक इट। इफ यू वांट टू टेक फॉर 48 मंथ दैट विल बी ग्रेट, नहीं लेना 36 मंथ 24 मंथ, सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। ओके सो क्लास यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन, These are some features, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे मैम हम तो यूट्यूब भी तो पढ़ रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन क्यों ले, है ना? तो ये ना मेरे भी दिमाग में था कि क्यों लेना चाहिए, बट मैंने जब ये देखा ना सब्सक्रिप्शन पिच, मैंने ये देखा अरे 750 इतने का तो खाना ही मैं यू नो पार्टी कर करके खत्म कर देते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट अगर यहाँ कर दे तो हम यहाँ से यहाँ आने की ज्यादा चांसेस है, सो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इट। फिर मैंने देखे यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, तभी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत मन करा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो यू विल बी लर्निंग एट योर होम, कंफर्ट, कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्ट आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हो एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स, कोई मर्जी कोर्स लेना है, एक बार सब्सक्रिप्शन आप लो, आपके पास जो मर्जी आपको कोर्स लेना है दैट विल बी अनलिमिटेड, यू कैन टेक इट। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हाँ, एंड आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास। अभी यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप क्लासेस लगा रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन डाउट तो रह रहे हैं ना, डाउट यहाँ पर अनअकैडमी क्लियर करता है। आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हर एक बच्चे पे गाइडेंस होती है एंड वो एजुकेटर्स आपको पूरा हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर टेन्योर, ठीक है। ओके ओके फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस आपका पूरा कवरेज होगा, ऐसे डरना नहीं कि मैम अभी तो हम यही चैप्टर कर रहे हैं वो कब करेंगे, पूरा कवर होगा आपका सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, और गाइडेंस होगी। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, ये जो मैं बात कर रही थी नोट्स के बारे में, तो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। क्लास आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि गूगल कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा आपको हम काम करके देंगे, ठीक है। हम डाउट क्लियर करेंगे आपका, हम ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको जस्ट आना है, दैट्स इट। लाइव टेस्ट सीरीज होंगे, राइट? सो दीज आर दी सच अ ग्रेट फीचर्स, सो आप डेफिनेटली नाउ आफ्टर सीइंग दिस फीचर्स इट्स ऑन यू टू यू नो वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, वेदर यू नीड टू बी फोकस्ड टुवर्ड योर स्टडीज और नॉट, ठीक है। सो हमने दीज आर सम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल मेंटोर,
So personal, so it will be a personal guidance की you know if that will be great अगर हमारा personal guidance होता है, teacher आपकी weakness and strength बहुत अच्छे से जानता है, right? So आपके ज्यादा improvement होने की chances हैं. Live doubt solving होगा, weekly report, this is also really important. बच्चे test तो देते रहते हैं लेकिन report नहीं मिल रही है, कहाँ कम हो रहे हैं कहाँ ज्यादा हो रहे हैं. Weekly reports will be provided. Parent contact. So basically, you know, if you are studying at your home, so it's really important for teacher also and for parents also to connect with each other, right? ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है एंड आप साइमल्टेनियसली घर में कहीं और इंडल्ज हो. सो दैट्स वाई पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है, ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा. एंड पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि यस यू नो बच्चा ऐसे काम करने वाला है, तो बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा, ठीक है. स्टडी प्लानर होगा, फुल टाइम टेबल आपका हम ही सेट करके देंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एंड आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है और इन सारे बेनिफिट्स को उठाओ. व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट? आपको YouTube पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. आप आओ, क्लासेस लो एंड आप जा रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो, दैट विल बी हेल्पिंग यू, विल बी इंक्रीजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर्स, राइट? तो क्लास हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में. आपने जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो. हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंडर बेसिकली पहले ये देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है. क्या होता है ये, हम बेसिकली यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स जो है गैंग एंड ओर, रेड कलर में आप देख सकते हो गैंग एंड ओर. बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ गैंग एंड एन ओर. गैंग को आप इन शॉर्ट इम्प्योरिटीज भी कह सकते हो, ठीक है, इन शॉर्ट इम्प्योरिटीज. सो बेसिकली इम्प्योरिटी का क्या मतलब है, आपके पास कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वॉटर, ठीक है, वॉटर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें अगर आप कुछ और चीज ऐड करते हो, तो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऐड कर दिया, इधर शुगर डाल दिया, यू आर एडिंग समथिंग, राइट? सो इम्प्योरिटी आ गई एक टाइप का. पहले हमारे पास बिल्कुल प्योर वॉटर था, बिल्कुल साफ पानी, बट नाउ द मोमेंट वी आर एडिंग समथिंग, वेदर इट्स गुड थिंग और बैड, यू नो मड डाल लो या फिर कुछ भी अच्छी चीज डाल लो, ठीक है, एंड ये नहीं मैटर करता क्लास कि वो डिजोल्व होगा कि नहीं होगा. अगर वो डिजोल्व हो भी रहा है तब भी, और अगर नहीं भी हो रहा है तब भी, वी हैव टू सी दैट हाउ वी विल बी सेपरेटिंग इट, अ गैंग एंड एन ओर, हाउ वी विल सेपरेट. इस प्रोसेस, सेपरेशन के प्रोसेस को हमने कंसेंट्रेशन ऑफ ओर बोला है, ठीक है. सो क्लास इन डिटेल हमने पहले भी पढ़ चुका है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में, बट अंडर द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर यू कैन सी ओवर हियर, सी गैंग हमने यहाँ लिखा हुआ है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, एंड ओर क्या है, the mineral from which metal can be separated, जिससे हमारे पास कुछ metals हैं, हमने impurities निकाल दी, तो ये जो है metal जिसे separate किया है उसे और कहेंगे, impurities को gang कहेंगे, ठीक है. ये तो concentration of ore है, हम बहुत time से concentration of ore के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं. Under the concentration of ore, ये जो separation की बात हो रही है यहाँ पर, तो कुछ processes हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ चुका है ऑलरेडी, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट, और हम इवन सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ चुके हैं. तो अगर हमने ये भी सीन देख लिया कि अगर फिल्ट्रेशन में यू हैव वन थिंग सॉलिड दैट इज सॉयल एंड अनदर थिंग इज लिक्विड दैट इज वॉटर, कैसे सेपरेट करोगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है. मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, आपके पास आयरन क्या है, आयरन फिलिंग्स है, ठीक है, आयरन की फिलिंग्स है, और यू हैव अनदर थिंग दैट इज सॉइल, सो बोथ आर सॉलिड ओवर हियर, बट वन मटीरियल हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट. वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेट से अटैच होंगे, राइट, अट्रैक्ट होंगे, सो मैग्नेटिक सेपरेशन भी. सो जितने भी, इफ यू विल बी यूजिंग मैग्नेट, सो ये सारे मैग्नेट को अटैच हो जाएंगे, सॉलिड अलग, जो भी हमारे पास ये जो सॉयल है, तो ये अलग हो जाएगी मैग्नेटिक, और आयरन फिलिंग वो अलग हो जाएगा. सो मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा. इवेपोरेशन क्या है, बेसिकली हमारे जैसे कपड़े हम धूप में रखते हैं, क्या जा रहा है उसका पानी, वो आसमान में जा रहा है ना, क्या प्रोसेस होगा उसके पीछे, इवेपोरेशन. तो ये प्रोसेस कब काम आता है, जब हमारे पास
कोई एक, अब हमारे पास मिक्सचर होना जरूरी है, राइट? किसी चीज का मिक्सचर होना जरूरी है। यहाँ पर आयरन फिलिंग और को एक सॉयल, जो सॉलिड, सॉयल इज ऑल्सो सॉलिड, तो सॉयल का क्या है, मिक्सचर है। बट ओवर हियर इन इवेपोरेशन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ वॉटर, वॉटर विल इवेपोरेट, राइट? एंड वॉटर के साथ वी हैव सॉल्ट। अब हमें ये डिजोल्व हो जाएगा, बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। हाउ वी विल सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वॉटर, वॉटर को सॉल्ट से कैसे सेपरेट करेंगे? सो बेसिकली हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी अलग हो जाएगा, सॉल्ट आपका यूटेंसिल के अंदर रह जाएगा। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था एक्सपेरिमेंट के साथ। देन वी डिस्कस अबाउट सेपरेटिंग फनल। तो क्या सेपरेटिंग फनल भी हमने देखा, एक ऑयल है एंड ऑयल एंड वॉटर है, बहुत आर लिक्विड, राइट? दे बहुत डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, राइट? ऑयल एंड वॉटर एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। देन वी यूज दिस सेपरेटिंग फनल। बेसिकली आप इसको अगेन डिटेल में देख सकते हो, पूरा हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा था, देखा था जितना ऑयल है कैसे हम सेपरेटिंग फनल को यूज करके वॉटर को अलग कर देंगे एंड ऑयल को अलग करेंगे, ठीक है क्लास? नाउ अभी हमारे पास जो टॉपिक रह गए हैं, सब्लिमेशन रह गया, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमाटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे, ठीक है? इसको सस्पेंस में रखते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे एक भी, कोई भी इनमें से जो मैंने टिक करे हैं, आई विल डिस्कस, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आई विल डिस्कस अमंग्स दिस। बेसिकली इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है, 3, 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई भी टॉपिक हो सकता है। सो व्हाइल वी आर डिस्कसिंग क्लास, थिंक अबाउट इट दैट हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? द मोमेंट यू विल बी एबल टू थिंक, राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम ये वाला प्रोसेस है। आई विल डेफिनेटली लव टू सी हु इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने गेस किया है वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। सो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। सो क्लास जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये फॉग, आप बता सकते हो ये फोग कहां से आ रही है? What is the reason behind it? चलो फोग को छोड़, हाँ हम देखते हैं जब आप फ्रिज ओपन करते हो, है ना, आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है जहां पर बर्फ जमाते हो आप, जब आप उसे ओपन करते हो क्या आता है बाहर? आपको कुछ महसूस होता है ठंडा ठंडा? अरे हमने जैसे ही रेफ्रिजरेटर ओपन करा ठंडा ठंडा लग रहा है, क्या आ रहा है उसमें से? कुछ भाप सी आती दिखती है ना, आपको इतनी ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी कम, लेकिन हमें कुछ ऐसा ठंडा, वो जो भाप आ रही है उसके वजह से कुछ ठंडा ठंडा महसूस। तो वो कहाँ से आ रही है, यू नो, क्या ये एक मैजिक है, ये जो फोग होना या फिर फ्रिज का रेफ्रिजरेटर ओपन करना और वहां से ठंडी ठंडी भाप आना, क्या ये एक मैजिक है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था मैजिक कुछ होता ही नहीं है। जो बच्चे मानते हैं कि मैम मैजिक है, हम मैजिक करके दिखाते हैं, हर एक मैजिक के पीछे एक सब्जेक्ट है, दैट इज साइंस। सो अगेन वी आर स्टडिंग साइंस, यू ऑल नो। तो अभी हम यू नो ये सारे मैजिक का धीरे धीरे करके वी विल सॉल्व दिस, ठीक है क्लास? सो अब हम देखते हैं क्या है इसके पीछे रीजन, एंड आइस जो हमारे रेफ्रिजरेटर ओपन करके जो भाप आ रही है उसके पीछे भी क्या रीजन है। तो हमने जैसे ही पिछले स्लाइड में देखा कि फोग क्या होता है, ये हमारे क्लास का, आज के सेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं अभी तो आंसर इसका डायरेक्टली नहीं बताऊंगी, बट हम इवेंचुअली धीरे धीरे करके इसका आंसर आप खुद बता दूंगे कि मैम फोग तो ये होता है, ठीक है? रेफ्रिजरेटर से जो भाप आ रही है वो क्यों आ रही है। सो आप अभी मेरे साथ क्लास कंटिन्यू रखो एंड जस्ट सी हाउ यू विल गेट द आंसर। So class, we studied about it, you know, phase transformation. कहाँ पढ़ा था? जल्दी बताओ। हमने ये phase transformation कौन से chapter में पढ़ा था? Everyone, जिसको पता है, please write in the comment box. हमने अभी तक chapter one of chemistry, right? Class 9th में chapter one, and right now we are doing chapter two. So काम अब मैंने इतने सारे chapter में से काम कर दिया, सोचो। Class हमने किया था ये chapter number one में, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता, यू कैन ओपन योर बुक, यू कैन सी माय वीडियोस, चैप्टर वन फुल कंप्लीट कर दिया था मैंने, वहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फेस ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वन के अंदर, ठीक है क्लास?
बेसिकली फेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है ना फेस, क्या मतलब इसका? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फेज है। सॉलिड बहुत है ना, यू मस्ट हैव लिसन ऑल दिस फेज, कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। बहुत ही चाइल्डहुड एज से आप ये सुनते हुए आ रहे हो। सो बेसिकली ये आपके क्या है? फेज। नाउ हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? हमारा सॉलिड से लिक्विड, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक फेज से दूसरे फेज में जाना, कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इधर वन फेज टू अनदर, ठीक है? सो सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड गैस में कैसे जाएंगे, गैस से सॉलिड में कैसे जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। सॉलिड में गैस से कैसे जाएंगे, गैस से सॉलिड लिक्विड, एंड लिक्विड से सॉलिड। बिल्कुल, अगर हम एक वे जा रहे हैं सो अपोजिट वे में भी हम कैसे ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट करेंगे। सो क्लास, अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सॉलिड एंड लिक्विड, वी हैव अ आइस क्यूब, यू नो वेरी फेमस एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, एक आइस क्यूब है, ठीक है? नाउ हमने क्या किया, व्हाट वी विल डू टू आइस क्यूब कि वो लिक्विड बन जाए, हम क्या करेंगे, हीट देंगे, वी विल प्रोवाइड हीट, हम हीट देंगे। हीट को हम ऐसे ट्राइंगल भी मेंशन करते हैं, ठीक है? ट्राइंगल अगर लगा रखा है सो बेसिकली दैट शोज हीट। ओके, हमने हीट दिया, क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया, बन गया वो, बन गया वाटर, आइस क्यूब से वाटर कन्वर्ट हो गया। सो इस प्रोसेस को कैन आई से मेल्टिंग, हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, आइस आइस क्यूब गॉट मेल्ट इनटू लिक्विड। इधर वी कैन से फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन आ जाए, इधर मेल्टिंग आ जाए, एक बात है, ठीक है? नाउ अब सोचो, लिक्विड से मुझे करना है गैस, क्या करूंगी, थिंक अबाउट इट, मेरे पास वाटर है एज अ लिक्विड, इसको करना है गैस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। हम बहुत बचपन से, आपका गला खराब हो जाए आप क्या करते हो, क्या बोलते हैं डॉक्टर, गरम गरम पानी पियो, है ना? सो आपने गरम पानी जब आपने कर रहे होंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, गैस आपने, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ यूटेंसिल, आपने हीट किया उस यूटेंसिल को, यू हैव अ वाटर लिक्विड स्टेट, आप हीट कर रहे हो, क्या होगा, पानी गर्म, आपको कैसे पता चलेगा, हल्की हल्की भाप आने लग जाती है ऊपर, है ना? भाप आती है, नहीं ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करो, भाप जो आ रही है, सो यस दैट लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। हम पानी को क्या करते हैं, बॉइल कर रहे हैं, तभी हमारा लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? Either we can say vaporization. So class, confused नहीं होना है, vaporization आ गया, अरे boiling आ गया, दोनों का मतलब क्या, confused हो गए हम तो, दोनों का मतलब एक ही बात है, boiling बोल दो या vaporization, आपके कैसे याद रखोगे, आप पानी को boil करते हो, क्या बनते हैं, vapors बनते हैं, है ना? पानी के droplets, that is vapors, आप ऊपर जाते हो, ये जो भाप जा रही, this is water vapors, ठीक है? So vaporization and boiling one and the same thing. इस process से liquid में gas बन रहा है, solid से liquid कैसे बनेगा, melting, either fusion. Okay, now we will see liquid to gas, solid to liquid तो देख लिया, liquid to solid क्या बनेगा, vice versa भी देखेंगे ना, opposite भी देखेंगे, क्या बनेगा, सोचो, everyone think about it. We have liquid, we have water. हमें उसको कन्वर्ट करना है सॉलिड, मतलब पानी को वापस से आइस में करना है, है ना? आपने कभी यू नो फ्रिज में आइस जमाई होगी, देखा होगा, क्या करते हो आप? ओके, आंसर आ ही गया है, मैंने अभी आंसर दे ही दिया है, जमाने को व्हाट वी यूज्ड टू से फ्रीज। आपने यू नो बचपन में, बहुत बच्चे करते हैं कि दूध की आइसक्रीम बनाते, कैसे बनाते हैं वो, दूध इज अ लिक्विड राइट, मिल्क जो है लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, उस फ्रिज में रख दो, क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम फ्रीज कर रहे हैं, हम सॉलिडिफिकेशन बोल दो या फ्रीजिंग बोल दो, तो बेसिकली आपका वाटर जो लिक्विड स्टेट में मिल्क है, इधर वाटर है, आप फ्रीजिंग प्रोसेस से या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से यू कैन कन्वर्ट दिस लिक्विड इनटू सॉलिड, आइस क्यूब, इधर जो भी आप शेप देना चाहते हो वो आप शेप दे सकते हो, क्योंकि वी स्टडीड दिस, सॉलिड का डिफाइंड शेप होता है, ठीक है? ओके,
So now you all got to know फ्रीजिंग बोल रहे हो या सॉलिडिफिकेशन. लिक्विड सॉलिड हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन. ओके, नाउ सी दिस प्रोसेस. गैस टू लिक्विड, गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो क्या होगा? वी हैव गैस, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है. थिंक अबाउट इट. हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, डिटेल में करे थे. जिसको और अच्छे से पढ़ना है आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्लास जाके हमने बहुत डिटेल में करा है. सोचो यू हैव अ परफ्यूम, परफ्यूम देखिए यहाँ पर सबने क्या करते हैं. इधर चलो परफ्यूम को छोड़ो, गैस सिलेंडर, जो आपके घर में गैस सिलेंडर है, वॉट वी यूज टू डू, उसके अंदर गैस ही है, गैस सिलेंडर गैस है उसके अंदर, लेकिन उसको इतने टाइटली कंप्रेस कर दिया गया, इतना टाइट कंप्रेस किया गया है कि वो क्या बन गया है, गैस से लिक्विड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, परफ्यूम आप लो, परफ्यूम है आपके पास, उसको शेक करके देख, आपको लगेगा कुछ पानी है इसके अंदर, पानी नहीं है, उसको प्रेस करो सी सारी गैस बाहर निकल के आती है. तो उसको सोचो, यू नो हाथ से नहीं कर सकते आप उसको प्रेस, आपको यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट. तो आप उसको इतने टाइटली प्रेस करो कि वो गैस से, गैस के जो वेपर्स होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं ना पार्टिकल्स, इतना टाइटली कंप्रेस करो ये पार्टिकल्स पास आ जाए. अब पास आएंगे लिक्विड बनेंगे, और पास आएंगे सॉलिड बन जाएंगे. तो इतना कंप्रेस करो कि वो लिक्विड बन जाए. ठीक है, सो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वी कैन से यू नो हम ये दिस इज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन प्रोसेस भी ऐसे ही होता है. अगर आपको कोई रीजन पूछना है ना क्लास कि बारिश कैसे होती है, कंडेंसेशन, हमारे वेपर, यू नो वेपर्स हमारे आसमान में, क्लाउड्स में है, बहुत सारे हमारे यू नो बहुत सारे मिल गए हैं, इतने ज्यादा आसमान में यू नो गैस फॉर्म में है. नाउ दे हैव टू बिकम अ लिक्विड, तब हमारी रेन हो जाती है. तो कंडेंसेशन उसके पीछे रीजन है, कंडेंसेशन. और आप कंप्रेशन जो अभी हमने बात करी है ना, सीएनजी जो आपके पास सीएनजी है, आप उसमें गैस सिलेंडर जो है, एंड एलपीजी जो है आपकी गाड़ियों में लगता है, यू कैन यूज दैट एज एन एग्जाम्पल, जिसमें गैस टू लिक्विड. ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हमने हल्का सा रिविजन करा है. नाउ दो चीज रह गई, दो चीज रह गई है, सॉलिड और गैस. सॉलिड और गैस, सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कैसे होगा, सोचो कैसे होगा कन्वर्ट. मैम सॉलिड मतलब हमारे पास तो आइस क्यूब है मान लो सॉलिड, अगर हम सीधा गैस में कन्वर्ट करें लिक्विड तो आएगा, बट आई एम सेइंग नहीं आएगा. आपके पास ऐसा भी है, जादू नहीं है ये, दिस इज नॉट मैजिक, ऐसा होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गैस से सीधा सॉलिड में. हाउ कम? आज हम यही पढ़ने वाले हैं. ये जो हमने अभी बात करी ना फॉग, ये जो मेजर क्वेश्चन है, अरे मैम ये तो हमें दिमाग में घूम रहा है, फॉग, व्हाट इज फॉग, एंड रेफ्रिजरेटर की जो भाप है, ये इसके पीछे रीजन है. ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉलिड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, यही रीजन है. ओके, क्या बेसिकली हमारा प्रोसेस होता है, गैस से सॉलिड जो बनता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन. ठीक है, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन. डिपोजिट हो रहा है गैस, एक जगह डिपोजिट होता जाता है, तब हमारा सॉलिड बन गया. ठीक है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है सब्लिमेशन. सॉलिड आपके पास कुछ सब्सटेंस है, विल सी दैट, अभी आप देख लो बस ना, ये वर्ड याद रखो, सब्लिमेशन है, डिपोजिशन है, हम इसके बारे में और अच्छे तरह से भी पढ़ने वाले हैं. देखिए एंड क्लास ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी. ठीक है, सब्लिमेशन जो है ये क्या है, सॉलिड से सीधा, दिस इज व्हाई दिस पॉइंटर इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहां पर ये फेज आ ही नहीं रहा, लिक्विड का फेज आ ही नहीं रहा, सीधा सॉलिड से गैस में बन रहा है मैजिक, एंड डिपोजिशन सीधा गैस से सॉलिड बन रहा है. ठीक है, ओके, नाउ क्लास हम उससे पहले यू नो इन दोनों के बारे में हम एग्जांपल इससे पहले देखें, इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, हमें सब्लिमेशन क्या होता है ये देखना जरूरी है. ठीक है, सब्लिमेशन हमने मोटा मोटा हमने ऐसे देख लिया है कि क्या है, बेसिकली सॉलिड से
गैस में कन्वर्ट होना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। आपने वो देखे नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल देखिए यूजुअली ये कपड़ों में रखते हैं, ऐसे गोल होती है व्हाइट कलर की नैप्थलीन बॉल। चलो नैप्थलीन बॉल छोड़ो, आपके यू नो वॉशरूम में एक फ्रेशनर ऐसे करके रखते हैं, ऐसे सिलेंडर शेप में होता है। बेसिकली दैट इज जस्ट टू यू नो गिव अ बेटर स्मेल इन द वॉशरूम। तो क्या होता है जब आप उसको ओपन करते हो, वो अच्छा बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है। एंड वो अगर सिलेंडर देखो, मान लो वो इतना मोटा है वो सिलेंडर, जस्ट इमेजिन। तो व्हाट इज हैपनिंग, आपने फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ इज गोइंग ऑन, तो ऑन 1 सितंबर आपने इसको न्यू न्यू पैकेट ओपन किया और वॉशरूम में रख दिया, ठीक है। और आपने आपने बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ क्या देखोगे, ये सिलेंडर जो शेप का ये जो है ये हो जाएगा कम। कहाँ गया, सॉलिड कम हो गया रखे रखे। नहीं, ये यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से गैस बन रही है, ठीक है। हमें खुशबू आती है बाथरूम में जाते, अरे वाह कितनी अच्छी खुशबू है। सो ये सॉलिड गैस में बन रहा है, ये सब्लिमेशन हो रहा है। ये आपके आसपास ही प्रोसेस हो रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन अब आप कह सकते हो कि ये तो सब्लिमेशन है। चलो ये तो बात हुई इसकी, अब हम एक बार देखते हैं नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स यूजुअली कपड़ों में रखी जाती हैं कि कीड़े ना लग जाए, ठीक है। व्हाइट कलर की होती है, सो जस्ट टू अवॉइड इंसेक्ट्स और यू नो एनी अदर अननेसेसरी इंसेक्ट और एनी थिंग। सो बेसिकली वी यूज दिस नैप्थलीन बॉल्स। अब क्या हो रहा है, नैप्थलीन बॉल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो अगेन बहुत मोटी है ना, अच्छी खासी व्हाइट कलर की है। थोड़ा सा टाइम दो, रखे रखो उसके अंदर, आपको खुशबू भी आएगी, अरे वाह नेप्थलीन की आ रही है। किसी को बहुत अच्छी खुशबू लगती है बट किसी को गंदी भी लगती है। ओके, नेप्थलीन क्यों, विद टाइम इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन। नाउ विल सी, हल्का सा आइडिया पता चल गया क्या होता है सब्लिमेशन। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस, नेप्थलीन बहुत हमारे पास ही आसपास ही, यू कैन सी दैट, ऐसा नहीं है, बहुत वेग कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आएगा। सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज देयर स्टेट फर्स्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे जो मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस है वो किस में चेंज होते हैं, सॉलिड में है। सॉलिड से हमारा लिक्विड बनता है, जैसे आइस क्यूब सॉलिड है, उसको हीट करेंगे वाटर बनेगा, वाटर को और हीट करेंगे गैस बनेगा, ऐसे ही जाता है। ये 3 स्टेज से क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया अगर हम हीट दे रहे हैं, अगर हम हीट दे रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम फ्रीज कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं फ्रीज, क्या बनेगा, गैस सॉलिड गैस लिक्विड सॉलिड, तो फ्रीज। ये तीनों प्रोसेस आ ही रहा है, लेकिन इन सब्लिमेशन हाउएवर देयर आर सम सब्सटेंसेस, नॉट ऑल सब्सटेंसेस, सारे नहीं, कुछ सब्सटेंसेस नॉन विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। हम डायरेक्टली अगर उसको हीट करें, अगर फॉर एग्जांपल अभी तो नैप्थलीन बोला है, इसको हमने हीट नहीं कर रहे, हीट नहीं कर रहे बट ये खुद ही हीट नहीं करते ना, राइट। कभी देखा आपने नैप्थलीन बॉल को, आप हीट कर रहे हो एंड देन उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, नहीं। तो और भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसको अगर हम डायरेक्टली हीट करें तो वो लिक्विड में, अगर हम बात करें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो किस में कन्वर्ट होंगे, गैशियस में, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा दैट विल बी डिपोजिशन, के आपके पास गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको डिपोजिशन कहते हैं। ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट इंटरवेनिंग क्या है, इन बिटवीन वाला जो स्टेट है सॉलिड और गैस के बीच में, जो लिक्विड स्टेट आता है उसको विदाउट क्रॉस करे, आपका सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ओके, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड से इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग विद नो टेम्परेचर चेंज
विदाउट पासिंग द इंटरवीनिंग लिक्विड स्टेट. इसका भी मतलब इसी लाइन का ही है. सो बेसिकली सब्लिमेशन में याद रखना कि आपका सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है. लिक्विड दैट इंटरवीनिंग स्टेट, जो लिक्विड का स्टेट होता है वो नहीं आता. ठीक है, ये होता है हमारा सब्लिमेशन. क्लियर, एवरीवन इज क्लियर? यहां से आप याद कर सकते हो ईच एंड एवरी स्टेप इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. अभी आपको हल्का हल्का आइडिया आ रहा होगा. फॉग, याद रखना क्वेश्चन, ये फॉग एंड दिस यू नो आइस. आप रेफ्रिजरेटर ओपन करो, आइस आ रही है आपको. ऐसा नहीं दिखता है कि ओ आइस इतनी सारी, भाप दिखती है. क्यों ऐसा क्यों है, हम इसका रीजन देखेंगे. ठीक है, नाउ क्लास, ये जो सब्लिमेशन है, हैव अ लुक, कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट दैट, ये एक CO2 मान लो, वो एक सॉलिड फॉर्म से सीधा गैस फॉर्म में बनना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. कैन यू सी, ये एक सॉलिड फॉर्म से होना और सीधा गैस फॉर्म में चले जाना, ये तो CO2 का एग्जांपल है. CO2 कैसे एक सॉलिड से गैस में अगर जा रही है, सो दिस इज, एंड दिस इज यू नो इवन द एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस को देखना आप कभी, कैसे वो एक सीधा सॉलिड से और गैस में कन्वर्ट हो जाती है. तो दिस इज सब्लिमेशन, इसके पीछे रीजन ही सब्लिमेशन है. सो ये जो फॉग आ रही है, कैसे फॉग आ रही है, सब्लिमेशन. हम और देखेंगे, अभी तक अगर किसी को क्लियर नहीं है टेंशन की कोई बात नहीं है, हम अभी सब्लिमेशन के बारे में और देखते हैं. हैव अ लुक, ये देखा किसी ने कपूर, हम कपूर जलाते हैं भगवान को, यू नो जब हम पूजा करते हैं तो हम कपूर यूज करते हैं. कैम्फर, हम इसको केमिस्ट्री में कैम्फर बोलते हैं. ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ सॉलिड टर्न्स इनटू गैस विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में ना जाके सॉलिड से सीधा गैस बन जाना, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. ये एक केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, ऑल्सो बी यूज एज अ सेपरेशन टेक्निक. ये हमारा एक सेपरेशन टेक्निक में भी काम आता है. क्या सेपरेशन टेक्निक, हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना क्लास. जस्ट रिमेम्बर सब्लिमेशन इतने 1 से लेकर 10 तक सेपरेशन प्रोसेस है. ठीक है, सो ये एक सब्लिमेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है. ये एक फास्ट और एफिशियंट सेपरेटिंग टेक्निक है. क्या सेपरेट करता है ये, क्या ये सॉलिड सॉलिड को सेपरेट करता है, क्या ये सॉलिड जो हमने ऑयल और वाटर के बारे में पढ़ा था, क्या ये उसे सेपरेट करता है, किसे सेपरेट कर रहा है, ये हम अभी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखेंगे. बट उससे पहले आप ये एक प्रिंसिपल देखो, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, टू सबलाइम और कन्वर्ट अ सॉलिड इंटू वेपर, बेसिकली सॉलिड इंटू गैस फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अ सब्लिमिएबल एंड नॉन सब्लिमिएबल सब्सटेंस. सो बेसिकली ओवर हियर आपके पास कुछ मिक्सचर होगा, कुछ भी मिक्सचर, अभी हम आगे एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि क्या मिक्सचर है. तो जो भी मिक्सचर है उसमें से एक सब्सटेंस सब्लिमिएबल होना चाहिए. ठीक है, तभी दिस इज पॉसिबल कि आपका सॉलिड से गैस में बन जाए. ये एक प्रिंसिपल है कि आपका मिक्सचर में एक सब्लिमिएबल सब्सटेंस होना चाहिए और एक नॉन सब्लिमिएबल सब्सटेंस होना चाहिए. ठीक है, सो अगर सब्लिमिएबल सब्सटेंस है तो वो क्या होगा, व्हाट आई मीन बाय सब्लिमिएबल. सो बेसिकली अगर वो सब्लिमिएबल है वो सॉलिड से गैस में बन जाएगा और नॉन सब्लिमिएबल लेफ्ट आउट रहेगा. ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपके पास कुछ बीकर है, और अभी मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बट स्टिल ओवर हियर आपके पास इसी के अंदर कुछ आपके पास नॉन सब्लिमिएबल और सब्लिमिएबल ऐसे मिक्स है. येलो कलर जो है वो सब्लिमिएबल है, यहाँ पर मैं सर्कल लगा लेती हूँ, ये आपका सब्लिमिएबल भी मिक्स है, और रेड कलर जो है नॉन सब्लिमिएबल, दोनों मिक्स है. लेकिन अगर इफ यू हैव टू सब्सटेंस इन अ मिक्सचर, सब्लिमिएबल एंड नॉन सब्लिमिएबल, क्या होगा, आप यहाँ पर द मोमेंट यू विल प्रोवाइड हीट, यहाँ पर आप जैसे ही हीट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से देखो अभी हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं, क्या होगा, सब्लिमिएबल सब्सटेंस क्या करेगा, वो फटाफट से क्या होगा आपका, यहाँ से जस्ट लेट मी जस्ट चेंज माई पेन, या सो यहाँ से
जो सॉलिड में था सब्लिमिएबल वो सीधा बन जाएगा गैस में। अब आपका एक फेज आएगा जिसमें आपके पास सब्लिमिएबल सारा गैस में बन गया और अब आपके पास अंदर रह गया सॉलिड फॉर्म में ही नॉन सब्लिमिएबल। आपके पास सारे सब्लिमिएबल गैस में है, नॉन सब्लिमिएबल आपके पास बीकर के अंदर है। दैट्स इट। ऐसे हम सेपरेट करते हैं सब्लिमिएबल सब्सटेंसेस को। ठीक है क्लास। सो बेसिकली नाउ वी कैन सी जस्ट अ सेकेंड, या नाउ वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स। हैव अ लुक। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये एक एग्जाम्पल है। ये एक किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमिएबल, जो सबलाइन हो जाते हैं ना, जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम सब्लिमिएबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। ओके, एंथ्रासीन हो गया, कैम्फर, कपूर जो मैं बोल रही थी, जो पूजा में यूज करते हैं, कैम्फर, आयोडीन एंड नाप्थलीन। क्लास, आप आयोडीन तो बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट होता है, आयोडीन से हम अभी देखेंगे भी इतने प्यारे पर्पल क्रिस्टल्स बनते हैं। हम जस्ट बाय यूजिंग सब्लिमेशन हम कैसे इम्प्योर चीज हम साइड में निकालेंगे और प्योर आयोडीन एक जगह निकालेंगे, जस्ट बाय यूजिंग सब्लिमेशन। ठीक है। सो दीज आर सम सब्लिमिएबल सब्सटेंस, जैसे नाप्थलीन हो गई। नाप्थलीन में हमने पढ़ा था बिहावर बॉल, हमारे पास दिस इज अ सब्लिमिएबल सब्सटेंस, सॉलिड से कन्वर्ट होता है गैस में। कैम्फर है, आप कैम्फर है आपके पास, आप आग लगाओ उस कपूर को, आग लगाओ, क्या होता है? लिक्विड बनता है? नहीं बनता, सीधा वो आग लग के गैस बनता है, सॉलिड से गैस बन रहा है, सब्लिमिएबल सब्सटेंस। आयोडीन का बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट होता है, हम इसको आज क्लास में देखेंगे। अमोनियम क्लोराइड ये केमिकल है, इसका भी एक्सपेरिमेंट हम अभी क्लास में देखेंगे। एंथ्रासीन इज अनदर केमिकल, दिस इज ऑल्सो एन सब्लिमिएबल सब्सटेंस। अभी तक क्लास हमने पूरा सब्लिमेशन में क्या होता है पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सब्लिमिएबल, जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या। सो क्लास, हमें पता चल गया क्या होता है सब्लिमिएबल। सब्लिमिएबल वो प्रोसेस है जिससे हमारा गैस, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मिक्सचर, मिक्सचर होना इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो, अगर मैं बोल रही हूं, अगर आई हैव अ मिक्सचर, तो इस मिक्सचर में एक क्या होना चाहिए? सब्लिमिएबल सब्सटेंस होना चाहिए। क्या मतलब है मेरा इससे? बेसिकली अगर वो सब्लिमिएबल है, सो वो क्या होगा? वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लास, ये सब्लिमिएबल प्रोसेस बहुत यूनिक है, अपने में बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है? सोचो, क्यों यूनिक है? क्योंकि इसमें लिक्विड फेज आता ही नहीं है, है ना? इसमें लिक्विड फेज आता ही नहीं है, इसमें सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, सो क्लास, आज का जितना भी हमने पढ़ा है, किसी को भी कोई डाउट, सो यू कैन आस्क दैट, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कोई भी डाउट है सब्लिमिएबल के रिलेटेड। हमने पूरा फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कैसे फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन फेज होते हैं हमारे केमिस्ट्री में। इसका फुल ट्रांसफॉर्मेशन देखा हमने, यही ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर वन जब हमने कवर कर रहे थे, हमने उस टाइम भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो क्लास, आप एक बार वो वाले क्लास चैप्टर वन को रेफर कर सकते हो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। हमने जैसे कि सॉलिड से लिक्विड किससे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीज करके कन्वर्ट हो रहा है ना, सॉलिड से, नॉट फ्रीज, हीट कर, आप हीट करोगे सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड फ्रीज करोगे तो आपका हो रहा है फ्रोज, राइट। तो हमने ये जितना फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये आज भी पढ़ा है, इसे पहले भी पढ़ा था, सो आप वो देख सकते हो। उसके बाद हमने सब्लिमिएबल क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है जो भी सब्सटेंस, जो भी मिक्सचर, उसे हम सब्लिमिएबल सब्सटेंस कहते हैं। एंड उस मिक्सचर में एक सब्लिमिएबल होना इम्पोर्टेंट होता है। अदर देन दैट हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि दीज आर सम एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, कैम्फर, आयोडीन एंड नैप्थलीन। सो क्लास ओवर हियर, हम अगली क्लास में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। आज तो सब सुन लिया मैम, ये होता है, ये होता है, सब पता चल गया, सारी नॉलेज के साथ हम बैठे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स,
तो उसके लिए वी विल बी यू हैव टू कम टू द क्लास ऑन टाइम, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे यू कैन ऑल्सो बी यू नो यू कैन ऑल्सो डू विद मी, आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे साथ टाइम पे आओगे, जैसे ही हमारी 5 o'clock रोज क्लास अपार्ट चैनल पे होती है, तो यू विल बी यू नो एबल टू डू दैट एक्सपेरिमेंट विद मी। सो क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट, इतना सभी डाउट है ना, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज देयर फॉर यू, राइट। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए है, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। एंड क्लास, इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, सो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, थम्स अप, एंड प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज इफ वी विल बी हैविंग अ न्यू क्लास, वेर एवर वी विल बी हैविंग, यूजली इट यूज टू कम एट 5 o'clock इन द इवनिंग इटसेल्फ इन द क्लास अपार्ट चैनल। बट अगर कभी भी हम ने यू नो 7 o'clock इधर सम अदर टाइम आई एम पुटिंग सम अदर क्लास, आई डोंट वॉन्ट किसी की भी यू नो मेरे बच्चों के किसी की भी कोई भी क्लास लीव हो, है ना। तो प्लीज क्लिक ऑन दिस बेल बटन एंड शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट है, प्लीज लिखो, घर पे कमेंट लेके जाना ही नहीं है, ठीक है क्लास। एंड लास्ट थिंग इज प्लीज क्लिक ऑन दिस यू नो यूज दिस कोड RAY10, 10% फ्लैट 10% ऑफर इज गोइंग ऑन, गो एंड अवेल इट फास्ट, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी अन अकेडमी लर्नर्स ऐप विच इज इजिली अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। सो द मोमेंट यू विल डाउनलोड इट, अ सब्सक्रिप्शन पेज फॉर 9, 10, 11 एंड 12 विल बी देयर। आप ये कोड यूज करोगे RAY10, आपको फुल 10% ऑफ मिलेगा। सो क्लास, फटाफट से क्लास खत्म हो चुकी है, जाओ और सब्सक्रिप्शन लो, और आपको और हम सबको यहाँ से यहाँ आना है। सो आर यू रेडी क्लास? सो ओके क्लास, फॉर द टाइमिंग दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन, थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप दैट यू ऑल विल कम कम ऑन टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास। सो फॉर द टाइमिंग यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।